Subscribe now to receive new updates every day. भारतीय टीम के कोच के लिए इंटरव्यू में आवेदकों से पूछे गए ये दो अहम सवाल। क्रिकेट एडवाइजरी काउंसिल ने मुंबई स्थित बीसीसीआई हेडक्वार्टर्स में सोमवार को भारतीय टीम के कोच पद के लिए 5 लोगों के इंटरव्यू लिए गए, जिसमें उम्मीदवारों से दो अहम सवाल पूछे गए। सीएसी ने जिन 5 लोगों का इंटरव्यू लिया उनमें रविवार शास्त्री, टॉम मूडी, वीरेंद्र सहवाग, रिचर्ड पायबस और लालचंद राजपूत का नाम शामिल है। भारतीय के कोच पद के इंटरव्यू के दौरान अपना प्रेजेंटेशन देने वाले सभी 5 उम्मीदवारों से दो बेसिक सवाल पूछे गए। इन उम्मीदवारों के लिए सबसे अहम दो सवालों में पहला सवाल यह था कि इंग्लैंड में होने वाले 2019 वर्ल्ड कप के लिए उनकी सोच क्या है और दूसरा सवाल था कि कप्तान की तुलना में कोच की भूमिका क्या होती है। इसके साथ ही उनसे पूछा गया कि किसी नाजुक स्थिति यानी कोच बनाम कप्तान जैसी स्थिति के सामने आने पर वे इससे कैसे निपटेंगे। बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति सीएसी ने इंटरव्यू के बाद कहा कि नए कोच के नाम की घोषणा करने से पहले वे विराट कोहली से बात करेंगे। हालांकि कप्तान को सिर्फ समिति के फैसले के पीछे का कारण बताया जाएगा, इस मामले पर उनका नजरिया नहीं लिया जाएगा। Thank for watching. Subscribe now to receive new updates every day. And don't forget to drop a like, leave a comment.